सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाना जानते हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं बची। बसपा से उत्तर प्रदेश अब विश्वास खो चुका है। तो हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ होगा। लखनऊ नगर निगम को 200 करोड़ में 3 गुजराती कंपनियों के हाथ बेच दिया गया। 25 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने एक दुकानदार को दुकान दियो तो बता दे। महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं ये, और महिलाओं की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते। तो निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या कुछ रणनीति बनाई है, अब अभिषेक मिश्रा जी से पूछेंगे। पहले सर आपका धन्यवाद। मेरा सवाल यही है कि निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई है समाजवादी पार्टी? समाजवादियों का तरीका रहा है हमेशा से कि हम लोगों के बीच जुड़ करके, उनके बीच रह करके, उनका सुख दुख में भागीदारी होकर के, उनके साथ खड़े होकर के, उनकी खुशियों में साझा दे करके, उनके दुख बटा करके लोगों के बीच रहते हैं, और उसी को हम उनके अपनी ताकत मानते हैं। वही तरीका इसमें भी हम लोग अपनाएंगे। हर सबके साथ रहेंगे, हर एक घर जाएंगे, हर एक दरवाज़ा खटखटाएंगे, हर बाजार, हर मोहल्ले में पहुंचेंगे, और लोगों को भारतीय जनता पार्टी के 6 साल की सरकार यहां, 9 साल की सरकार वहां, 15 साल की वो सरकार और लगभग 30 साल की सरकार जो नगर निगम की थी, 45 साल की सरकार के काम दिखाएंगे, उनके गड्ढे दिखाएंगे, उनका कूड़ा दिखाएंगे, और लोगों को विश्वास दिलाएंगे कि अगर समाजवादी पार्टी को इस बार मौका दीजिए, हम लोग काम करके दिखाएंगे। हमने पहले भी कहा, लखनऊ में आज जितना काम हुआ है अगर आप देखेंगे तो उस पर समाजवादियों की मोहर है। आगे भी काम करेंगे तो समाजवादी करेंगे। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान के नाम लड़ाना जानते हैं, दूसरा भारतीय जनता पार्टी कोई राजनीति नहीं बची। तो बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारा, तो क्या लगता है वोट बैंक घटेगा समाजवादी पार्टी का? बसपा से उत्तर प्रदेश अब विश्वास खो चुका है। तो बीएसपी को तो मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी कंसिडरेशन में। मुझे अच्छा लगा कि आपने सवाल पूछा, बाकी मैं आपसे कह सकता हूँ जितने मीडिया के साथी थे किसी ने बीएसपी के बारे में सवाल भी नहीं पूछा। जी, निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति है, क्या नेताजी ने क्या वहाँ पर बात की अपने अधिकारियों को, क्या कुछ आदेश दिए? निकाय चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी बहुत गंभीर है, और लखनऊ नगर के सभी प्रमुख नेताओं को और जो भी कुछ असंतुष्ट थे उन सबको बुला करके आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बैठक करी है, और उसमें जनता के बहुत सारे मुद्दों को पर चर्चा हुई है। हम लोगों ने फैसला किया है कि अगर लखनऊ नगर निगम पर हमारा मेयर होगा तो हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ होगा। हम लखनऊ शहर के अंदर जो लोग यहाँ पर रहते हैं, इनके मकान हैं, उसका टैक्स आधा करेंगे, और जहाँ पर वाटर टैक्स पूरे शहर में कहीं नहीं पड़ने का काम होगा। नगर निगम में भ्रष्टाचार रहा है 25 साल में, भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में बहुत करप्शन करने का काम किया। लखनऊ नगर निगम को 200 करोड़ में 3 गुजराती कंपनियों के हाथ बेच दिया गया, और जनता के विकास का पैसा डिविडेंड के रूप में उन 3 कंपनियों को देने का काम हो रहा है। हमारा मेयर बनेगा तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम में किए हुए भ्रष्टाचार की हम लोग जांच कराने का काम करेंगे, और जनता को बताएंगे कि जनता के विकास के पैसे को कैसे 3 गुजराती कंपनियों को डिविडेंड के रूप में जो है वो देने का काम हुआ है। सर, ये तो भाजपा तो कहते हैं कि इन्होंने विकास का काम किया है, स्मार्ट सिटी बनाया है लखनऊ का। आए दिन यही बात होती है कि जो समाजवादी पार्टी सिर्फ अपना नाम ले लेती है और कार सारे भाजपा की। भारतीय जनता पार्टी बताए कि स्मार्ट सिटी में उसने क्या काम कराया है, कितना पैसा स्मार्ट सिटी का आया और कितना खर्च हुआ। हम विधायक हैं, स्मार्ट सिटी की बैठकों में हम गए, पूछा हमने उनसे कि क्या काम कराया। सड़कें टूटी हुई हैं, जल निकासी की व्यवस्था नहीं है, नाले भरे हुए हैं, ट्रैफिक की प्रॉब्लम है, रोज जगह जगह जाम लगता है, नालियां भरी हुई हैं, कहीं कोई विकास का काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। स्मार्ट सिटी बनाने का क्या मतलब है जब सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं, जल भराव की व्यवस्था है, और जो है वो कोई विकास का काम आप लखनऊ शहर में दिखाएं कि कहां पर विकास का काम हो रहा है, कहीं कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। और हाउस टैक्स के नाम पर जनता का उत्पीड़न करने का काम हुआ है, लोगों के मकान सील करने का काम हुआ है। 25 साल में अगर भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने एक दुकानदार को दुकान दियो तो बता दें, हजारों लोगों की दुकानें बुलडोजरों से तोड़ने का काम हुआ है। एक दुकान का नाम पूछ लीजिए कि इस एड्रेस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
ने नगर निगम ने किसी एक आदमी को दुकान देने का काम किया। अच्छा, नगर निकाय चुनाव की बात करूँ तो क्या प्रचार के लिए नेता जी भी साथ जाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे? माननीय अखिलेश यादव जी 1 तारीख को जो है मेट्रो से जो है जनसंपर्क करेंगे जाएंगे, दूसरा जो है 2 तारीख को वो रोड शो करेंगे, और 2 तारीख प्रचार का आखिरी दिन है, उस दिन माननीय अखिलेश यादव जी रोड शो करने का काम करेंगे और उससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करेंगे। मेयर पद के लिए प्रत्याशी वंदना मिश्रा से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या रणनीति है और किन मुद्दों पर वो बात करने वाली हैं। मैं कई बार बता चुकी हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि लखनऊ शहर को एक जो इतना खूबसूरत इतना प्यारा शहर था, जिसके लिए विलियम रसेल ने लिखा था कि ये शहर 1857 में उन्होंने लिखा था अपनी मीठीनी डायरी में कि ये शहर पेरिस, रोम, लंदन किसी भी शहर से ज़्यादा खूबसूरत है, तो उस शहर को अब गार्बेज सिटी बना दिया गया है। तो सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि इस शहर को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जाए। जी मैम, क्या रणनीति बनी है निकाय चुनाव को लेकर, कैसे प्रचार करेंगी? मैं तो देखिए जनता के बीच में जाऊँगी, जनता को क्या नहीं है, क्या खराबी शहर में, ये तो बताना नहीं है, वो तो खुद ही देख रही है, खुद ही दुखी है, परेशान है ना, क्योंकि ग्रह कर भी देख लिए, चाहे जल कर देख लीजिए, मनमानी ढंग से बढ़ा दिया जाता है, जन्म मृत्यु का सर्टिफिकेट भी इतना पैसा बढ़ा दिया गया है, मतलब भ्रष्टाचार का बोलबाला है, तो वो तो मुझे कुछ कहना नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि समाजवादी पार्टी का क्या काम है वो आप देख लीजिए, मेट्रो किसने बनाया, मेट्रो रेलवे आप देख लीजिए कि यमुना एक्सप्रेस वे किसने बनाया, आप देखिए जनेश्वर पार्क, लोहिया अस्पताल बहुत इंपॉर्टेंट, लॉ यूनिवर्सिटी और तमाम अस्पताल बनाए, एक अस्पताल नहीं बनाया, कितने शिरोज महिलाओं की इज्जत की बात करते हैं ये, और महिलाओं के की तरफ कोई तवज्जो नहीं देते, शिरोज जैसी संस्था अखिलेश जी की बनाई हुई है, रिवर फ्रंट वगैरह, सो मेनी थिंग्स, तो हम ये तो कहते हैं कि भाजपा कहती है और समाजवादी पार्टी खेल पर भी ध्यान देती है, पढ़ाई पर भी ध्यान देती है, स्वास्थ्य पर भी ध्यान देती है, सारी चीज़ों पर भी, आप देख लीजिए खेल भी है, इकाना स्टेडियम भी बना रही है वो पढ़ाई पर भी ध्यान दे रही है, लॉ यूनिवर्सिटी अनदर यूनिवर्सिटीज़, स्वास्थ्य पर भी ध्यान दे रही है, आपका लोहिया अस्पताल देख लीजिए और बुजुर्गों पर और बच्चों के सबके टहलने के लिए लोहिया पार्क, ये सारे काम बताए, लेकिन ये तो भाजपा बार बार ये दावा करती है कि सारे काम भाजपा के हैं और समाजवादी पार्टी, ये भाई ये तो कैसे कोई कहे, लोहिया पार्क भाजपा कैसे बनाएगी, वो बनाएगी तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क बनाएगी, वो बनाएगी तो दीनदयाल उपाध्याय पार्क बनाएगी, और दूसरी बात है कि अब दीनदयाल उपाध्याय पार्क से मुझे याद आया, एक मैं कहाँ गई थी, किसी तरफ गई थी जनसंपर्क में, तो सिंचाई वहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर कोई चीज़ है उसमें दीनदयाल उपाध्याय भी लटका पड़ा है, मतलब उसके अक्षर लटके हुए हैं, जब वो अपने आदर्शों की अपने नायकों की स्मृति में बनाई गई छोटी सी चीज़ की सुरक्षा नहीं कर सकते और उसकी देखभाल नहीं कर सकते तो बाकी शहर के लिए क्या करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अरविंद सिंह गोप मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे निकाय चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनी है। सर, निकाय चुनाव को लेकर आज खास बैठक हुई, क्या कुछ निकाय चुनाव को लेकर? चुनाव में 110 जो वार्ड हैं उनके जो जिम्मेदार प्रभारी, उनकी आज बैठक थी, उनकी सीधे अखिलेश जी से बात हुई और सबकी जिम्मेदारियां सबको काम बांट दिया गया है। कल फिर अखिलेश जी छात्र नेताओं के साथ बैठ रहे हैं, परसों फिर उनकी बैठक है जो सभासद लोग थे, इस चुनाव को हम जीतने जा रहे हैं। सब प्रचार को लेकर क्या चलो है? प्रचार को लेकर क्या कुछ है? प्रचार घर घर कुंडी खटखटा के पहुंचने का समाजवादी पार्टी करेगी। बात करने के लिए कांग्रेस के पूर्व नेता है जिन्होंने आज ही सदस्यता ली है समाजवादी पार्टी की, बात करेंगे इनसे क्या कुछ रणनीति बनी, आज अखिलेश जी से बात हुई क्या? आज अखिलेश जी ने अपनी उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस बात का हम लोग संतोष है कि हम लोग नेता के उस पार्टी के साथ काम करने जा रहे हैं जिसने पिछले दिनों में उत्तर प्रदेश में चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में, तमाम अच्छे पार्कों के क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में कार्य किए थे। वर्तमान की सरकारें सिर्फ लोगों का आश्वासन दे रही हैं, भ्रमित कर रही हैं, संप्रदाय का विभिन्न विचारधाराओं पर लोग बेमनस पैदा कर रही हैं, इसलिए काम करने का उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छा दिख कोई प्लेटफॉर्म तो समाजवादी पार्टी है और उसके युवा नेता अखिलेश जी है, इसलिए आज पार्टी की सदस्यता हमने ग्रहण की। 2024 को लेकर क्या कुछ रणनीति, क्योंकि कहा जा रहा है निकाय चुनाव ही 24 का रास्ता बनाए। जी निश्चित ही, अब निकाय चुनाव के मुश्किल से 1 साल के अंदर ही लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का बहुत ही शानदार प्रदर्शन रहेगा और लखनऊ के समस्त छात्र नेता, विशेष तौर से लखनऊ विश्वविद्यालय के हम लोग छात्र संघ के अध्यक्ष रहे तो लखनऊ विश्वविद्यालय के तमाम छात्र नेता और डिग्री कॉलेज के छात्र नेता सब उन्हें लामबंद हो गए हैं और अब की बार वंदना मिश्रा जी को चुनाव जिता कर ही लखनऊ में भेजेंगे। क्या नाम है जी? शादाब अजीम, मैं सचिव हूँ नगर में
और देखिए नगर निकाय चुनाव है, बड़ा इम्पोर्टेंट चुनाव है हमारे समाज के लिए, हमारे लखनऊ के लिए। 110 वार्ड है हमारे लखनऊ में, और ख़ास तौर पर मेयर को लेकर जो चर्चा हुई कि मेयर प्रत्याशी हमारी जो वंदना मिश्रा जी हैं, ये लखनऊ में कोई भी इनके टक्कर पर किसी ने कोई प्रत्याशी नहीं है, क्योंकि इन्होंने संपूर्ण जीवन, आप भी एक पत्रकार हैं, और इन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक निष्पक्ष पत्रकारिता में दिया, उसके साथ साथ समाज सेवा में दिया, समर्पित कर दिया अपने जीवन को। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यही समर्पण देखते हुए उनको एक प्रत्याशी बनाकर भेजा। तो उनका आदेश यही था कि हम सारे लोग मिलकर, अब की ये मौका है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ काम के दम पर कुछ बात करने को कुछ नहीं है। चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी बैठक की है, जिसमें बताया है कि 2-4 दिन में ये क्लियर कर देंगे कि किस तरह से वो इस निकाय चुनाव को लेकर प्रचार करने वाले हैं और क्या कुछ रणनीति रहेगी, ये जल्द ही साफ कर दिया जाएगा पार्टी की तरफ से। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।